क्या कह रहा हूँ फेविक्विक से जोड़ दो। सामान पैक हो चुका है? नहीं, आप ही ने बनाया, पर यार अच्छी बात है ये तो। दोस्तों कल मुझे ना बहुत सारे वो ले लो बच्चों, तो हमने कहा यहाँ मिल गए सब, इन्हें दे दिए जाए। जान फबियो जान, अपनी अम्मा को बोल लिए सब बातें, ठीक है। और जो लोग बोले ना कि अरे ऐसे कमेंटों के ऐसा चमत्कार कर दे, ठीक है, और दिवेश गौर का इतना भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, तब ये दिवेश गौर मतलब इस हालत में भी ना हो, ये भी ना बता दिखाता है जो इतनी गंदी जिनकी मानसिकता होती है, इतना गंदा कास्टिज्म जो लोग फैलाते हैं। बोलना चाहूंगी कि मत किया करो ऐसे मानसिकता वालों को रिप्लाई, ये सिर्फ हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज है नौमी, नौमी की तैयारी चल रही है, कन्या पूजन की तैयारी चल रही है। ये भोग की निकाल रही है ये। हाँ तुम बताओ पहले क्या कह रहे हैं। तो हलवा तो पूजन हो जाएगा तब। ये लंच बॉक्स है जो कि धुल के रख दिए, इन्हीं में कन्याओं का गिफ्ट भी है ये, है दक्षिणा गिफ्ट, हलवा पूरी सब भोग भी इसी में पैक हो जाएगा। है सही है, लगे रहो, बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको। हाँ क्या कह रहे हो बताओ। मुझे पूरे खाने, तो वेट करना पड़ेगा। वेट अरे अरे यहाँ मत चढ़ो, बाहर आओ बाहर आओ। गाइस मैं आपको मतलब पूजा वूजा निपट गई, हमने ये टिफिन भी पैक कर दिए, ये देने जाएंगे। और ये चने पता नहीं मैंने दिखाई नहीं दिखाए थे, सब पैक कर दिए तो कम हुए हैं। बताइएगा आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं क्या। और ये हलवा मैंने बनाया, ये हलवा सामान पैक हो चुका है? नहीं, आप ही ने बनाया, पर यार अच्छी बात है ये तो। दोस्तों कल मुझे ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले थे डांडिया नाइट में। तुम बहुत पतली हो गई हो। पतली कहाँ हो गई, तुम मतलब मुझसे पूछा आदमी। तो तुम रोज मुझे देखते हो ना, इसलिए तुम्हें चेंजेस नजर नहीं आ रहे मेरे में। जिन लोगों ने मुझे बहुत टाइम बाद देखा, जो वीडियो में ही देखते हैं, उन्हें दिख रहा है मैं पतली हो गई अपने आप ही खुश हो रही है। खैर गाइस कमेंट करके बताइएगा किस किस के ऐसे चने बनते हैं और हलवा कौन है। इधर लो भी कोई दक्षिणा। दोस्तों मंदिर के कबाट तो बंद हो गए, लेकिन हमें कन्याएं मिल गई हैं, तो हमने सोचा यहीं पे पैकेट दे दिए जाए। वीवो वीवो कौन मिल गया, जाओ मम्मा की हेल्प करो। वीवो वो डिब्बे तो निकाल ला, वो ले लो बच्चों। तो हमने कहा यहाँ मिल गए सब, इन्हें दे दिए जाए। एक एक हाँ तो एक ही एक ले रहे हैं वो। मुझे तो एक ही मिला, एक ही मिला, एक ही एक तो मिलता है आज के दिन। ठीक हो गए भैया, दक्षिणा भी इसी में ही है। अच्छा ये मैं सोच रहा दक्षिणा नहीं दी, चम्मच पूरी सब कुछ है उसमें। हाँ दक्षिणा भी है बेटा। ओके जय माता दी, ये कौन था, कौन था है? क्या मुझे नहीं पता, शर्मा आ रहा है, लड़की देख के वैसे शर्मा जाते हैं। खोलो अब खोलो, आराम से देखो पीछे एक बच्ची है पीछे से। रुको हटो, एक पहले पीछे हटो, ऐसे ये गलत बात होती है। आंटी मुझे आंटी को छोड़ी थी आज, आंटी वाले दोस्तों। हाँ दोस्तों दोस्तों ये कि दिवेश गौर है ना, ये कमेंट कर रहा है बेचारा, इतना एक दिवेश गौर है, ये बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना, क्योंकि अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी मेरे असली पापा कौन से हैं, इधर पड़ोसी वाले, उधर पड़ोसी वाले, या पीछे पड़ोसी वाले कौन से हैं। तो इसकी माँ बेचारी बता नहीं पा रही है किसका असली बाप कौन है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कहाँ से लेके आई है वो इस दिवेश गौर को। तो ना ये बेचारा बहुत परेशान है और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। तो इसका एक कमेंट है, एक मैंने पुराना कमेंट निकाला इस बंदे का, अभी बताती हूँ आप लोग को। ये कह रहा है आई लव यू, मैं लगा दूंगी आप पढ़ना, आई लव यू जान, ठीक है।
और फिर आज के उसमें कमेंट कर रहा है, मतलब ये इतना फ्रस्ट्रेट है, खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि इसे करना क्या है, मतलब कमेंट में लिखना क्या है। मिसरा हटाकर मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगी, लेकिन कमेंट लगा दूंगी कि तूने समाज की नाक कटा दी। तो दिवेश गौर भाई, तेरी नाक कट के गिर गई होगी, तू लगवा ले यार, इतनी फैसिलिटी हो गई है, डॉक्टर इतने बढ़िया बढ़िया हो गए हैं पूरी दुनिया में, है क्या? फेविक्विक से जोड़ दो। क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ फेविक्विक से जोड़ दो। हाँ फेविक्विक से जोड़ ले, अगर तेरी गिर गई है तो पूरे समाज का ठेका क्यों ले रहा है तू? तू पहले अपने पापा का पता कर कि तेरे असली बाप कौन है, और क्या आई लव यू जान, फव यू जान, अपनी अम्मा को बोल लिए सब बातें, ठीक है? और जो लोग बोले ना कि अरे ऐसे कमेंटों के रिप्लाई मत किया करो, तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि दुनिया में कितने फ्रस्ट्रेट लोग हैं, कितना मतलब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है उसे कमेंट क्या करना है। आई लव यू जान लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है। तो भाई अपनी पहले तो नाक जोड़ तू, जो तेरी कट के गिर गई है फैब्रिक से, या किसी अच्छे डॉक्टर के पास चला जा। पैसे ना हो तो तू हमें बता दे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर व्हाट्सएप कर दे, हम तुझे पैसे दे देंगे, और तू अपनी नाक जुड़वा लेना 5 रुपए का फैब्रिक लेके, ठीक है? और ये आई लव यू वव यू, पहले अपने रियल बाप को ढूंढ ले, अपनी माँ से मनी ऑर्डर कर दो। मनी ऑर्डर बाबू कह रहा है मुझे आई लव यू जान, तुम दो इस बात का रिप्लाई तो उसके मुंह में दे दो। बड़े हो जाए, हमारी जान कौन है? हमारी जान कौन है? वीओ कह रहे हैं, क्या कह रहे हो पीछे होके बताओ, हमारी जान क्यों है? अरे पता नहीं क्या कहना चाह रहे, हमारी जान कौन है ये कह रहे हैं, वीओ की जान कौन है ये बताओ, हमारी जान क्यों है? मैं ना आज मेरे नवरात्र के फास्ट खुले हैं, और मैं क्या कहते मेरा जो मानना है कि मतलब मेरा इस कमेंट से कोई दिल नहीं दुखा, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं दिवेश गौर के लिए ना एक भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगी, पॉजिटिव प्रार्थना है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये भगवान करे दिवेश गौर का इतना भयंकर एक्सीडेंट हो, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो। देखो भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, ठीक है, जिसे बुरा लगे वो बुरा मानता रहे, इतना भयंकर एक्सीडेंट होए कि इसे ना खून की ज़रूरत पड़े, और मतलब इतनी ज़रूरत पड़े कि अगर इसे खून ना मिले तो इसे ऊपर वाला उठा ले, मतलब डॉक्टर ये कहते कि 10 बॉटल इसे खून की नीड है तभी ये बच पाएगा, अगर 10 बॉटल इसे खून ना मिले तो ये मर जाएगा, मतलब ये एक शर्त हो जाए, भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, ठीक है? और दिवेश गौर का इतना भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, तब ये दिवेश गौर मतलब इस हालत में भी ना हो, ये भी ना बता पाए कि इसे उच्च जाति के बंदे का खून चाहिए, वरना ये मरने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब इसकी इतनी बुरी कंडीशन हो जाए। भगवान हे देवी माता, तुम ऐसा ही कर देना कि इस बंदे को खून की नीड हो, और ये बताने की स्थिति में भी ना हो कि इसे पंडित या ठाकुर का ही खून चाहिए, इसे जनरल कैटेगरी का ही खून चाहिए, क्योंकि इसकी जो मानसिकता ही लिख रहा है, इज्जत केवल उच्च लोगों में होती है, नीच जाति में कोई इज्जत नहीं होती। तो भगवान इसे किसी पंडित और ठाकुर का खून ना मिले, और ऑब्वियस सी बात है नीच जाति का तो खून लेगा ही नहीं है, है ना, क्योंकि इसकी तो फिर इज्जत ही चली जाएगी अगर भाई नीच जाति का। तो माता रानी प्लीज़ दिवेश गौर का एक्सीडेंट कर देना। और एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने इसको यही रिप्लाई करा है कि जब खून लेने जाते हो तो इज्जत विज्जत भूल वो तब जात पात भूल जाते हो क्या? तब तो हॉस्पिटल में मर रहे होते हो तो तुम्हें किसी का भी खून चाहिए होता है, तब तो तुम किसी की टॉयलेट भी चढ़वाने के लिए तैयार हो जाओगे, चाहे वो कोई सी भी जात का हो, तो तुम बच रहे होगे ना कि भाई उसकी टॉयलेट चढ़ा दो मैं बच जाऊं बस, तो तुम टॉयलेट चढ़वाने तक के लिए तैयार हो जाते हो तुम जैसे लोग, तब तुम लोग नहीं देखते हो ब्लड बैंक में, तुम लोग जाके नहीं देखते हो कि फलाने बंदे का किस कौन सी जात का खून है क्या नहीं है, जात पात तुम्हारे अंदर सिर्फ कोई शादी कर लेगा तो। मुझे ना तरस आता है ऐसे लोगों पे, और भगवान ऐसे लोगों को ना इतने बुरे दिन दिखाता है, जो इतना इतनी गंदी जिनकी मानसिकता होती है, इतना गंदा कास्टिज्म जो लोग फैलाते हैं हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे आसपास जो ऐसे लोग माहौल क्रिएट करके रखते हैं, मतलब मुझे तरस आता है कि इनके घर का माहौल कैसा होता होगा यार, ये लोग कैसे मतलब यार
तू देवेश गौर तू किसी शॉप पे सामान लेने जाता है तो क्या पहले तू कास्ट पूछता है सामने वाले से, या तू कहीं शादी ब्याह में जाता है तो पहले तू हलवाइयों की जात पूछता है फिर तू खाना खाना चालू करता है? लेकिन वही है ना, तुम सोशल मीडिया के कीड़े हो, तुम रोज पैदा होते हो रोज मरते हो, और तुम्हारी शादियां होती हैं तुम्हारे बच्चे पैदा होते हैं तो वो तुम्हारी मानसिकता के पैदा होते हैं, क्योंकि वो सीखते ही वही हैं, तुम्हारे घरों में ही यही चीज़ें होती हैं। लेकिन जब तुम हॉस्पिटल जाते हो, तुम कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हो, तो तुम ये नहीं देखते हो कि सामने वाला कौन सी जात का है क्या नहीं है। सोशल मीडिया पे तुम खुद को इतना बड़ा वो दिखाओगे। और एक ये कोई प्रिया दुबे हैं यार, अगर तुम्हें यही सब करना होता है ना तो भाई मेरे ब्लॉग पे मत आया करो। मतलब मुझे ना गुस्सा नहीं आता तुम लोग का कमेंट देख के, मुझे ये लगता है कि क्या कहते हैं, मतलब तुम सामने वाले को उस क्या कहते हैं उसकी कास्ट देख के सपोर्ट करोगे क्या? चलो फिलहाल वीडियो को करते हैं एंड। और माता रानी मेरे आज फास्ट कंप्लीट हुए हैं, तो देवेश गौर का इतना भयंकर एक्सीडेंट होना चाहिए, और जिसे ये चीज़ बुरी लग रही है ना वो मेरी जगह पे आके सोचना, ठीक है? जिसे ये चीज़ बुरी लग रही है जो वो जात बात कर रहा है वहाँ कमेंट सेक्शन में आके, तो मेरी जगह पे आके सोचना तब, और बुरा मानते रहो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी ही हूँ जैसी मैं दिखती हूँ ऑन कैमरा और जैसा मैं बोलती हूँ, ठीक है? अच्छे लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी हूँ और बुरे लोगों के लिए मैं महा बुरी हूँ। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आप तब से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, बाय गाइस, लव यू ऑल। और मैं अपने सब्सक्राइबर से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मत किया करो ऐसे मानसिकता वालों को रिप्लाई, ये सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो घर का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो दूसरों के कमेंट सेक्शन में आके निकालते हैं, सिर्फ इनका इतना काम होता है, इन्हें लिटरली अपने सगे बाप के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए बेचारे मजाए मजाए फिरते हैं, इसलिए ये बेचारे परेशान होते हैं, और परेशान होने के बाद ये किसी का कमेंट सेक्शन ढूंढते हैं, वहाँ पे आके ये अपनी मानसिकता दर्शाते हैं, तो इनको रिप्लाई मत दिया करो, बस करो। ठीक, ओके, बाय गाइस, बाय गाइस, मेरी चुन लो मम्मी वगैरह, बस कहो मम्मा, बस कहो वीडियो को, बस कहो। अच्छा मैं एक एक दो दोस्तों वीवो ने एक चीज नई सीखी है, वीवो दोस्तों को बताओ तुम क्या बनोगे? पुलिस। और मम्मा क्या बनेगी? विधायक। विधायक, अरे थैंक यू वीवो।